नासिक के एक प्रसिद्ध अस्पताल में चोरी की घटना से हड़कंप मच गया है। मृतक महिला के गले से 2.5 तोले का मंगलसूत्र चोरी हो जाने का आरोप महिला के बेटे ने लगाया है। महिला महाराष्ट्र के नासिक के प्रतिष्ठित स्पंदन अस्पताल में अपना इलाज करवा रही थी, जहां इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। मृतक महिला के बेटे का दावा है कि मृत्यु से पहले उनकी मां ने गले में मंगलसूत्र पहना हुआ था। वो मंगलसूत्र 2.5 तोले का था जो गायब हो गया, यानी चोरी चला गया है। मृतक महिला के बेटे ने इस चोरी के लिए अस्पताल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। महिला के परिवार का आरोप है कि जो मंगलसूत्र चोरी चला गया है वो 2.5 तोले का था। परिवार वालों का आरोप है कि मंगलसूत्र की चोरी किसी और ने नहीं बल्कि हॉस्पिटल के ही किसी स्टाफ ने की है। पुलिस ने हॉस्पिटल के CCTV फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है और जांच का काम आगे बढ़ा दिया है। लेकिन एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में इस तरह की घटना से पूरे नासिक में खलबली मच गई है।